Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ২০২২ विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत लिया है। तमाम मुद्दों के बीच विधानसभा चुनाव जीतना योगी आदित्यनाथ के लिए आसान नहीं था। कोरोना काल की दहशत वाली तस्वीरें, किसान आंदोलन, बेरोजगारी और कोरोना काल में दिहाड़ी मजदूरों का पलायन योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड, हाथरस मामला और विकास दुबे एनकाउंटर भी योगी सरकार के लिए आग में पेट्रोल डालने जैसा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने फायर ब्रांड हिंदुत्व की छवि के साथ साथ मुफ्त राशन और शौचालय वाले मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने का फैसला किया और जीत हासिल की। जानकारों की माने तो अब योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी हो गए हैं। हालांकि अपने कई विवादित बयानों को लेकर योगी हमेशा सुर्खियों में भी रहे हैं। जानकार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस की विचारधारा में एकदम फिट बैठते हैं, इसलिए पिछले कई चुनावों में जहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष की तरह पेश करती है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता की तरह पेश किया जाता है। चाहे बंगाल का चुनाव हो या हैदराबाद निकाय चुनाव, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वहां भीड़ जुटाई, इससे साफ हो गया कि बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ महज यूपी के नेता तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। 25 मार्च को यूपी में शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंच गए हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए भागवत 19 से 22 मार्च तक यूपी में रहेंगे। हालांकि मोहन भागवत के गोरखपुर पहुंचने से सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 19 मार्च को गोरखपुर प्रवास पर आए सरसंघचालक मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माधव धाम में मुलाकात की है। संघ प्रमुख से योगी आदित्यनाथ की करीब 40 मिनट तक बातचीत चली। इस दौरान दोनों के बीच सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। योगी ने संघ प्रमुख को शपथ ग्रहण समारोह में आने का आमंत्रण भी दिया है। बता दें कि 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य की दूसरी पारी की शपथ लेंगे। उससे पहले संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके के लिए गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का यहाँ पर अब न्योता दिया गया है। गोरखपुर से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।